Om Shanti and good evening. Be straight. Be relaxing. Be steady. दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा ले लें सभी. हथेलियां ऊपर की तरफ, जंगाओं के मध्य में अपनी दोनों हथेलियों को सेट करें. मेडिटेशन मुद्रा, एकाग्रता की मुद्रा, मन की व्याकुलता, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, मानसिक असंतुलन, फिट्स, पागलपन, ऑल द ब्रेन आर द मेंटल फैकल्टीज, इन सभी के लिए मुद्रा निश्चित ही लाभदायक मानी जाती है. रिलैक्स फोरहेड, ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में. अपने सत्य स्वरूप को देखें सभी, अ कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइट एंड माइट. योग जिसका अर्थ होता है मिलन, कॉम्बिनेशन, लिंक, यूनियन ऑफ द सेल्फ टू द सुप्रीम सेल्फ. The greatest healer is meditation, made from the word medari, which means to heal thyself. बार बार अशरीपन का अभ्यास, आत्म अभिमानी की स्थिति बिंदु रूप और ज्योति स्वरूप की स्मृति हमें अपने सत्य स्वरूप में शक्तिशाली है स्थित कराती है. हमारे अंदर जो भी पावर्स हैं वो सभी इस मानसिक स्थिति में स्थित होने से इमर्ज होने लगते हैं. बी फोकस्ड लाइक ए लेजर बीम at the center of your eyebrows, conscious being of light and might. इस स्थिति में आते ही हमारे मन के संकल्पों को विराम मिलने लगता है. हर प्रकार का व्यर्थ, नेगेटिव थॉट शब्द और कर्म इस स्थिति में हम सहज ही उसको पूर्ण विराम दे सकते हैं. ऑथेंटिक सेल्फ, रियल सेल्फ, ट्रू सेल्फ, देही अभिमानी स्थिति,
जहां देर से भी हम विस्मृत हैं, acquired self to real self is the journey of the soul, is the journey towards the self. ये वो यात्रा है जो हमें अपने आप से जोड़ती है. We get connected to the real self and then to supreme soul, supreme self. निराकार, highest authority, almighty authority, supreme father, infinite intelligence, जो भी नाम कह दें हम, उस शक्ति से जुड़ने का और जुड़कर उससे शक्तियां प्राप्त करने का यही एक मार्ग है. Yes, now, slowly. Come back, धीमे से आंखें खोलें. एक आगे हम चले, एक सवाल पूछता हूं. एक सवाल मेरे पास आया है आज. कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, बाहरी मन, अर्ध चेतन मन, सारी टेक्निक्स जो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीख रहे हैं हम लोग, उसका एक ही पर्पज है कि हम सबकॉन्शियस माइंड तक अपने विल को, अपनी विश को, अपने गोल को, अपने एस्पिरेशन को हम वहां तक पहुंचा सके. राइट. प्रतिभा पटेल आप हैं यहाँ पर, प्लीज कम फॉरवर्ड. आपका अनुभव जो आपने लिखा है ना, बताइए तो मैं उसके ऊपर समझाऊंगा सभी को. प्लीज आप अनम्यूट करो. प्रतिभा पटेल हमारे साथ हैं थाना मुंबई से. यस प्लीज. यस भाई जी, ओम शांति भाई जी. बहुत सुंदर आपका अनुभव रहा है, आपने लिखा है मुझे. आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड टू हियर दैट. ताकि क्या ऐसे और भी अनुभव को सुनने के फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था. यस प्लीज. हाँ जी भाई जी, मैंने आपको बताया था कि मतलब मैं जब भी दोपहर को, मैं दोपहर को ही ज्यादा हुआ है मेरे साथ, और अमृत वेला में भी एक दो बार हुआ है. तो मैं जब भी सोती हूँ और मैं बोल देती हूँ सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे इतने टाइम को उठाना है, तो तभी मेरी डोरबेल बजती है. आज भी वैसा ही हुआ मेरे साथ. मैं 3:30 बजे सोई और मैंने बोला कि 4 बजे मुझे उठाना है, तो 4 बजे एग्जैक्ट 4 बजे बेल बजी मेरी डोरबेल. ब्यूटीफुल. हाँ, और एक बार फोन की घंटी बजी थी और एक बार बस के कट हो गई थी, जब भी मैंने बोला था, टाइम दिया था तभी. और एक बार मुझे नाम लेके उठाया गया था, प्रतिभा उठ, प्रतिभा उठ. तो ऐसे अनुभव बहुत बार हुए मेरे साथ. यस, थैंक यू. मैंने आपको लिखा है कि यू आर परफेक्टली ऑल राइट. इट कैन हैपन, नथिंग. आई वुड से आप सबसे पहले मुझे बताइए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, बाह्य मन और अर्ध चेतन मन, उसके पास 10% है, इसके पास 90% है. कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड, राइट? यस भाई. पावर किसके पास ज्यादा है? सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड के पास. सुजी भाई आप जवाब मत देना, मैं सवाल पूछूंगा. ठीक है, ओके. अब मेरे रेगुलर हम साथ में चलाते हैं क्लास में. सबकॉन्शियस माइंड के पास. यस, सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है. लाइक एन आइसबर्ग, हिडन पार्ट, जिसमें सिर्फ दुनिया का एक ही व्यक्ति पहुंच पाया, अल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेट रिसर्चर, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन. उसने उस माइंड का सिर्फ 10% ही यूज किया, ओनली 10%. अगर हम उस माइंड का 10% यूज कर ले तो वी कैन बी द मोस्ट जीनियस पर्सन ऑन दिस अर्थ. नाउ माय क्वेश्चन इज, पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है, राइट? हु इज द बॉस? हु इज द बॉस? बोलो. कॉन्शियस माइंड. Conscious mind. Conscious mind is the boss. Powers नहीं है तो भी boss है.
मतलब वो ऑर्डर देता है सबकॉन्शियस माइंड को और वो फॉलो करता है सबकॉन्शियस माइंड. हाँ बताइए. हाँ भावना बोलो. लेकिन मन तो सबकॉन्शियस माइंड पे हावी होता है ना, जैसा मन बोलता है वैसा सबकॉन्शियस माइंड करता है. भले ही उसमें पावर है लेकिन अभी जो हम अभी प्रेजेंट के हिसाब से तो मन ही मन के अनुसार ही हम हर काम करते हैं. वेरी ट्रू सर. कॉन्शियस इंस्पेक्टर. हाँ बोलो बोलो. यस प्लीज सर. कॉन्शियस माइंड क्योंकि दिन में पूरा दिन तो कॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है और सबकॉन्शियस जो है वो स्लीपी मोड में होता है या मतलब उतना हावी नहीं रहता है. जब हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस ज्यादा एक्टिव हो जाता है और कॉन्शियस सो जाता है. तो बॉस उस हिसाब से जब हम जाग रहे हैं तो कॉन्शियस माइंड हुआ. अभी मेरे को इस पर भी क्लास करानी पड़ेगी. व्हाट इज व्हाट द टाइप्स ऑफ माइंड्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. आई विल टेक द क्लास ऑन दैट. सी सबकॉन्शियस माइंड राउंड द क्लॉक काम करता है. ये हम सोते तो सांस कौन ले रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कौन सप्लाई कर रहा है, सारे जितने भी बॉडी के पैरामीटर्स उनको कौन चला रहा है. सबकॉन्शियस माइंड राउंड द क्लॉक काम करता है, राउंड द क्लॉक. लेकिन वो कौन है, वो हमारा सर्वेंट है, हमारा नौकर है. जिन्नी, ब्रह्मांड का जिन्न कहता ना, हे मेरे आका तुम्हारा हर इच्छा मेरा आदेश है. योर एवरी सिंगल विश इज माई कमांड. राइट. अभी जैसे प्रतिभा पाटिल बहन जी ने बताया कि मैं बोल के सोती हूँ कि मुझे इतने बजे उठाओ. मैं आपको आगे और भी कभी क्लियर कराऊंगा लॉ ऑफ ये आस्क एंड इट इज गिवन के ऊपर. बहुत जबरदस्त उसके टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं या उसके चैप्टर्स हैं. उसमें एक है सेगमेंट इंटेंडिंग. सेगमेंट इंटेंडिंग. अभी जैसे प्रतिभा जब सोती हैं, बोल के सोती हैं कि मुझे आधे घंटे के बाद उठना है. राइट. दिस इज द सेगमेंट इंटेंडिंग. कोई भी काम करने के पहले अपने विचारों को आगे भेजो. विचार के अनुरूप आपकी जिंदगी की तस्वीर तैयार हो रही है. अगर नहीं बोलोगे तो वो होगा जो आप नहीं चाहते हैं, बोलोगे तो वो होगा जो आप चाहते हैं. दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट इंटेंडिंग. सेगमेंट आज का दिन मेरा बहुत ज्यादा खुशगवार होगा. आज मैं पूरे दिन में अपने आप को हर हालात में खुशी में शांति में या फिर इस तरह मेंटेन करूंगी. मैं करूंगा इसको पूरा सबकॉन्शियस. अच्छा भी मैं पहले पूछना चाहता हूँ कि कल हम ग्रेटिट्यूड के ऊपर ले लेंगे. ग्रेटिट्यूड के ऊपर मेरी बहुत जबरदस्त स्लाइड सारी तैयार है ग्रेटिट्यूड के ऊपर, क्योंकि लोग बार बार पूछते हैं ग्रेटिट्यूड लिखना जरूरी है, ग्रेटिट्यूड लिखना जरूरी है क्या. कल ग्रेटिट्यूड के ऊपर कर रहे हैं पूरा सेशन, एंटायर सेशन विद ग्रेटिट्यूड. सर आपने वो बैलून टेक्निक बोला था, कराया नहीं अभी तक. बैलून टेक्निक नहीं कराया है. नहीं उस दिन आपने बोला था बट कराया नहीं यार. ठीक है भाई जी, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी मैं. यस प्लीज. नाम बोलो आपका. मेरा नाम निधि कनोडिया है. मैं जब आपने मेरी भाभी को ईएफटी कराई थी तो उस दिन आपने थ्रेड वाला टेक्निक सिखाया था. तो वो थ्रेड जैसे ही आपने सिखाया वैसे ही हमने अपनी विश उसमें बांधी थी जिससे ईएफटी कराई थी, जो मैं बता रही थी शादी जो टूट गई थी. हाँ हाँ बराबर. हाँ जी. तो वो एक हफ्ते बाद चीजें फिर सेटल हो गई. परसों मैं बाबा के आश्रम में रोज भी जाती हूँ तो वहाँ पे ये थ्रेड अपने आप खुल गया. तो वो थ्रेड मैं बाबा के रूम में रखाई उनके सामने. और परसों ऐसा होने से कल वापस से सगाई हो गई, मतलब तय हो गई और अब 15 तारीख की शादी तय हुई है. पूरी बात जरा ब्रीफ में बताओ इनको, ब्रीफ में बोलो जो मुझे बताई थी, जो मैंने काउंसलिंग किया था आपकी भाभी का. यस प्लीज. वो ईएफटी कराया था भाई जी ने उसमें. नहीं नहीं मैंने क्या कहा, नहीं वो जो बात हुई थी ना 8 तारीख की शादी थी. हां हां बोलो. यस प्लीज. 8 तारीख की शादी थी लेकिन किसी वजह से वो कैंसिल हो गई थी. बच्चों के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे कि परिवार के बीच में, पूरा घर परेशान हो रखा था बहुत ज्यादा. तो भाई जी ने ईएफटी कराया था मेरी भाभी को, साथ में मैंने भी बैठ के की थी. और उसके बाद वो थ्रेड टेक्निक सिखाया था, वो थ्रेड उन्होंने भी बांधा हमने भी बांधा.
और एक हफ्ते बाद अपने आप ही वो बाबा रूम में खुला, मेरे हाथ में आया और मैं वो खोलकर उनके पास ही रखाई कि आप जानो आपका काम जाने क्या चीज होना नहीं होना। और कल शाम को माने सब चीज सेटल हो गई और अगेन द चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड दे आर गेटिंग मैरिड ऑन 15th, लेकिन बस वो आर्य समाज से होगा। ठीक है, देखो क्लैपिंग फॉर हर, सभी बिग क्लैपिंग दो फॉर द नॉट टेक्निक भाई जी, मैं नॉट टेक्निक। जब भी मैंने बात किया तो इतनी सहम हुई, इनकी भाभी थी इतनी परेशान थी, ये खुद भी इनकी भाभी तो बहुत ज्यादा। मैंने कहा कि नॉट टेक्निक मैंने हमें सिखाने वाला हूँ, शाम को आप आ जाओ और फिर आप वो उस पर डाल देना नॉट टेक्निक में, सात बार नॉट बांध के सेम विश है ना, मैंने आपको बताई थी शायद नॉट टेक्निक क्या डालना है करके, है ना निधि जी? उस दिन आपने बताया था अपनी विश नोट पे बोल करके बांधते चले जाओ नोट को। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। सुन रहे हैं ना सभी आप, देखो कितनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं हमारे पास में। जी ओम शांति। ओम शांति भाई जी, कल का मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है, कल आप नहीं आए थे। नाम पहले नाम बोलो प्लीज सर। सोनम आगरा से, वो जो मेरा देखो आप नाम बोलो, आप नाम बोलोगे ना लोग आपका नाम सुन सुन के एटलीस्ट समझेंगे कि हमारे ग्रुप के मेंबर हैं और विल कम मोर क्लोजर टू ईच अदर। हां बोलिए। यस आई नो आई कुड रिकॉग्नाइज योर साउंड बट लेट एवरीबॉडी नो हु यस हु यू आर स्पीकिंग एंड फ्रॉम यू आर स्पीकिंग। यस प्लीज। सर सोनम आगरा से, कल मेरे नाम का ईएफटी भावना दीदी सबने करा था सर, वही लंफ के लिए किया था। तो सर वैसे तो मैं उसको कॉल कर ही रही थी यूनिवर्स से कि मेरी सारी गांठें खुल गई हैं, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो सर इतना मिरेकल हुआ है आज, जब मुझे शाम को याद आया आई जस्ट यूज टू चेक दैट सर उसका गांठ का जो साइज है ना जो कल बड़ा था, लेकिन हाँ सर छोटा हो गया है। आई रियली थैंक यू सर। और सर प्लीज ईएफटी आप जरूर करवाया करिए डेली, बिकॉज जब आपने कराया था तभी मैंने किया था ईएफटी, लेकिन आज वो गांठ सर कल से और आज में छोटा हो गया है साइज। थैंक यू सर। वेरी गुड। आपका शायद मैसेज मेरे पास भी आया है, मैंने देखा कि आपने कुछ लिखा है लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसके पहले तीन चार मैसेजेस का मेरे पास रिमाइंडर भी आ रहा था। ओके ओके, शायद इनको कुछ अर्जेंट है। आई जस्ट गो थ्रू दिस व्हाट यू रिटन ना। यस थैंक यू सो मच। चलो आज हम चलते हैं। देखिए अब एक टेक्निक जो आज मैं सिखाने वाला हूँ स्क्रिप्टिंग, और दूसरा है एक ही बार लिखना और उसको सोने के पहले पढ़ना। एक ही बार लिख रहे ओनली वंस, 21 दिन तक सोने के पहले पढ़ना है, राइट? ये एक टेक्निक है जो राइट वंस एंड रीड ओनली एट नाइट, दिन में तीन बार भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टेक्निक परसों मैंने बताई थी आपको, ओनली वंस यू राइट डाउन, वो फिर आपको रात को सोने के पहले पढ़ना है विद द फीलिंग एंड द विजुअलाइजेशन। लेकिन अभी जो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, जो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, राइट? और कौन सा टूल है सबकॉन्शियस माइंड का, बताइए? व्हाट इज अदर टूल? सबकॉन्शियस माइंड नोज द लैंग्वेज ऑफ विजुअलाइजेशन एंड इट नोज द लैंग्वेज ऑफ फीलिंग, इमोशन, राइट? तो जिनको विजुअलाइजेशन नहीं होता है वो स्क्रिप्ट राइटिंग में कैसे होते हैं, क्या करते हैं, वो हम सीखेंगे। आप स्क्रिप्ट राइटिंग ना बहुत तरह से किया जाता है, so many times it is done। कुछ लोग बोलते हैं 40 दिन तक करो, उसको हफ्ते में एक बार करो। स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी आर्टिस्ट एक्टर कैमरे के सामने जाता है तो उसको उसकी स्क्रिप्ट समझाई जाती है कि आपको कैमरे के सामने ये बोलना है, तो क्या करता है बार बार स्क्रिप्ट को पढ़ता है, जो प्रैक्टिस करता है, राइट? तो आज हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे। देखिए आज सबसे ज्यादा व्यक्ति आज कौन से एरिया में परेशान है ज्यादा, बताइए मुझे। विच इज द एरिया विच इज डिस्टर्बिंग एवरी इंडिविजुअल इवन हियर इन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन दिस प्लेटफॉर्म? रिलेशनशिप। यस एग्जैक्टली, हियर यू आर, एकदम परफेक्ट आंसर है ये, राइट? मैं आपको बता रहा हूँ मेरी जो युगल है ना वो ज्ञान में नहीं चलती है, लेकिन उसके पांव धोके पीने लायक है वो, इतनी डिवाइन क्वालिटी है उसमें। कहीं कहीं संस्कार माँ बाप का, खानदान का, पूर्व जन्म का, संघ का संस्कार कभी कभी प्रवेल होता है, नो डाउट, 100% तो कोई भी नहीं है संसार, होता तो कर्मातीत बन जाता, राइट?
तीन ओनली थ्री लोगों से उसने रिलेशनशिप था इस सोसाइटी में, जहाँ हमारे बिल्डिंग में 40 घर हैं, 10 माले का बिल्डिंग है और छोटी बिल्डिंग है, टोटल जहाँ पर 68 फ्लैट्स हैं, टोटल 108 फ्लैट्स इन द सोसाइटी, वी स्टैंड द टावर। 40 में से तीन घर ऐसे थे ना जिनके साथ इनकी बहुत जमती थी और तीनों के तीनों का काम ये करके देती थी, भाभी टमाटर, भाभी पनीर, भाभी वगैरह वगैरह, व्हाट एवर यू फील लाइक दे आर कमिंग एंड टेकिंग द। आज तीनों के साथ पूरा का पूरा लेन देन खत्म हो चुका है और उसका एकमात्र कारण क्या है, व्हाट आई फील ना कि जहां स्वार्थ होता है ना, जहां स्वार्थ होता है रिलेशन नहीं चलता, वहां यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि स्वार्थ क्या, कनिंगनेस इज द नेगेटिव चीज है ना, वो वहां यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करता है। राइट, हमारे बाजू में रहती है नेक्स्ट डोर, इतना 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 बात तो ऐसी करती है वो। मैंने बीच में कहा था तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और मैं मास्टर हूँ योगा का, प्राणायाम का, मुझे पता चला आपकी बेटी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इस वक्त डिलीवरी में ज्यादा वक्त नहीं है, आप प्लीज मेरे पास भेजो, मैं इनको ऐसे प्राणायाम बताता हूँ कि मैं कई लोगों को इस टाइम पे देता हूँ जहाँ पैरों में सूजन आ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। कैसे बोलती है, अरे भैया आपकी बेटी है वो, मेरी थोड़ी है, आपकी बेटी है। रिलेशनशिप जीरो, कनेक्शन जीरो, बातें आसमान तक 100 और प्रैक्टिकल जीरो। यस्टरडे शी मेट मी, मैं लिफ्ट से बाहर आ रहा था, लिफ्ट में जा रही थी दसवें माले से, मैंने कहा क्या बात है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या जिंदगी में? मैं जब भी आपको देखता हूँ आप मुंह चुराने की कोशिश करती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आते हैं मेन बात पर, जिस पर हम आज ये टेक्निक करेंगे चालू, मैं भी करूंगा इस पर, इस टेक्निक पर काम। देखो बाबा ने आज भी कहा है माया के बारे में, बाबा ने आज भी कहा है कि माया बाबा से मुख मोड़ेगी तुम्हारा, कहा है ना, लेकिन हमारे पैर हमेशा नरक की तरफ और मुंह स्वर की तरफ होना चाहिए। बोला है कि आज मुरी में लास्ट में वरदान के और धारणा के पहले पहले की पॉइंट है, माया बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है ना। और बहुत ही जबरदस्त माया को रिलेटेड बाबा ने दो दिन पहले की मुरी में बताया है। वो क्या बताया है कि दो प्रकार की शक्तियां काम कर रही है, एक है प्रकृति की तमोगुणी शक्ति। कोई बता सकता है मुझे क्या होता है प्रकृति की तमोगुणी शक्ति, और दूसरा है माया की जो है सूक्ष्म रॉयल समझदारी शक्ति। प्रकृति की शक्ति जिसको हम समझ पाते हैं, इसका मतलब क्या है कोई बता सकता है मुझे? बाबा ने क्लियर बताया कि प्रकृति की तमोगुणी शक्ति को हम समझ पाते हैं। प्रकृति की तमोगुणी शक्ति मतलब क्या होता है बताइए मुझे, टेल मी मुरली, अगर समझा है पॉइंट को आपने समझाया है तो बताओ मुझे, कोई भी बताओ। प्रकृति हम पांचों तत्वों को भी कहते हैं, बाहर भी कहते हैं, और प्रकृति हमारा शरीर भी पांच तत्वों से बना हुआ है, बोथ आर प्रकृति। अपना नेचर भी, अपना नेचर, वेरी राइट यू आर। और देखो फॉर एग्जाम्पल समझो सुनामी आने वाली है, तो ये जो रिस्पेक्टेड लोग हैं वो बता देते हैं, या कोई जानवर ही भांप लेते हैं कि यहाँ सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक को भी जानवर जान लेते हैं। फोरकास्टिंग होता है कि मौसम बदलने वाला है, मछुआरों को चेतावनी दी जाती है अब समुद्र में मत उतरो, बंबई में हमारे पास समुद्र है चारों तरफ, तो यहाँ भी चेतावनी दी जाती है उनको जब बहुत तेज हवाएं चलती है समुद्र में या हाई टाइट का समय होता है। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज, बाबा ने कहा है कि माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी क्या कर रही है, वो उसकी शक्ति है, वो क्या करती है, ध्यान से सुनना, माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा कर रहा है। मैं हमेशा ध्यान करता हूँ पहले बाबा भावना बोल रहे हैं या भाव बोल रहे हैं। इस मुरली को मैंने बार बार पढ़ा
बाबा ने कहा है कि माया इस वक्त मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने की क्या कर रही है, पैदा कर रही है। मतलब माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव भावना पैदा करना है, और यथार्थ महसूसता मतलब ये गलत नहीं है, ये सही है। हम सही को भी गलत समझ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि माया का वार सामने वाले के यथार्थता को, सामने वाले के सच्चाई को, सामने वाले के ट्रुथ सेल्फ को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, राइट? ऐसे समय पर जहां पर हमको तीर पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है, बहुत विकराल समय से हम गुजर रहे हैं, तो इसका अभ्यास हमें करना ही होगा। जैसे डायरेक्ट जवाब आया कि रिलेशनशिप पहले अपोजिट पार्टीज में ननन भाभी सास बहू है ना, इसमें कन्फ्लिक्ट होते थे, लेकिन आजकल ब्लड रिलेशन में भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं बहुत सारे, मन उठाओ टकराओ, राइट? अगर हम इसका समझो एक स्क्रिप्ट बनाए, स्क्रिप्ट बनाए, आज सोने के पहले बना ले, 3 से 4 लाइन का होता है स्क्रिप्ट, और सोने के पहले उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ के सोएं, 21 डेज तक करना है ये, राइट? 21 डेज तक, क्योंकि आपके पूरे पुरुषार्थ पर माया पानी फेर सकती है। माया मतलब एग्जाम, ये कैसा बनेगा कोई बताओ मुझे, हाउ वी कैन मेक दिस अफर्मेशन, मेक दिस, इसमें स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, यस प्लीज एनीबडी। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि आप खुद अपने प्रॉब्लम्स को कैसे स्क्रिप्ट लिखना है आप जान सको। यस प्लीज, मेरी भी कोई तैयारी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन मैं यहीं पर ही बैठ के आपके साथ चलूंगा बनाने के लिए इसको। एनीबडी प्लीज, हाउ वी कैन राइट डाउन, कम ऑन एनीबडी, बोलो। अंकिता बोल सकती है, भावना माइक ऑन नहीं हो रहे हैं क्या? सर, सर जिसके हाँ? साथ भी रिलेशन ठीक करना है उसके लिए लिख सकते हैं कि हम उसके साथ बैठे हैं, हम प्यार से बातें कर रहे हैं, हमारे एक दूसरे के लिए मन में भाव बहुत अच्छे हैं, और मतलब इस तरह से पॉजिटिव चीजें उसमें लिख सकते हैं जो डेली हम पढ़े उसको। वेरी ट्रू, आप बता रही हैं इन पर्टिकुलर केस। हाँ जी सर, भगवान ने हमको क्या बताया है कि माया का इस वक्त का जो पार्ट है, जो पुरुषार्थ है, वो दो काम कर रही है। सबसे पहले हमारे मन में भावना और भाव और भावना को क्या कर रही है, वो और नीचे गिरा रही है, भाव और भावना, और दूसरा क्या कर रही है, यथार्थ की महसूसता को समाप्त कर रही है। यथार्थ की ये सही है, शी इज राइट, उसकी महसूसता को समाप्त कर रही है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग? आप सही करें एक पर्टिकुलर केस में करते हैं, अब एक एक केस से करने की जगह हमको क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ कॉमन करना चाहिए कि हमारी हमारे ऊपर जो माया का जो वार है ना, वो हो ही नहीं ना। हम एक एक को ठीक करने के बजाय हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि वो व्यक्ति दुनिया के लिए बुरा हो सकता है, हमारे लिए कभी बुरा नहीं होगा वो। यस भावना, कैन यू टेल मी हाउ वी शुड राइट डाउन? ग्रेटिट्यूड भी आना चाहिए ना, ग्रेटिट्यूड भी आना चाहिए उसमें। देखो स्क्रिप्ट लिखना मतलब क्या है, क्या आपने क्या बोला भावना, बराबर बोलो, मैं समझा नहीं, बोलो। ग्रेटिट्यूड नहीं, स्क्रिप्ट में जो है ना, स्क्रिप्ट में है ना, हम वो सब वो लिखते हैं जो अपनी जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड हम करते हैं एफर्मेशंस में, जो स्क्रिप्ट टेक्निक है ना, इसमें हम ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं नथिंग, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी। हम वो लिखना चाहते हैं जो हम अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। अभी बार बार भगवान को वार्न कर रहे हैं, इतना साल से पढ़ा रहे हैं, अंतिम समय है, विकराल का रूप चल रहा है, कयामत का समय चल रहा है, दिन ब दिन परिस्थितियां दुबर होती चली जाएंगी, तो बाबा उनको वार्न कर रहे हैं ना, हर रोज वार्न कर रहे हैं। जैसे पॉइंट अक्षर लग रहा है कि पॉइंट दे दो, व्यर्थ संकल्पों को, बोल को, कर्म को पॉइंट दे दो, कैसे लिखना चाहिए? Anybody, come on, tell me, कैसे स्क्रिप्ट लिखेंगे? भावना अभी दिमाग में आई आपको बात?
हाँ, उसमें पूरी स्टोरी जैसे आपने EFT में बताया था ना कि 3 मिनट की स्टोरी बनाते हैं, जैसे आपने EFT में 3 मिनट की स्टोरी बताई थी। हाँ, वो EFT जो है ना वो स्टोरी टेलिंग टेक्निक है, वो खैर इससे बिल्कुल ही अलग है। वो स्टोरी टेलिंग टेक्निक 3 मिनट की बनाते हैं हम लोग, माइंड मूवी टेक्निक है वो। माइंड मूवी टेक्निक है 3 मिनट को ये स्टोरी टेलिंग। देखो कोई बता सकता दूसरा कोई? नहीं तो मेरे दिमाग में आईडिया आ गई है। हाँ बोलो भाई जी। हम सपोज हमें कोई मूवी की सीन बहुत अच्छी लगी जो दिमाग में बैठी हुई है, तो उस सीन में भी हम उस सारे इन कैरेक्टर्स को उसमें बैठा के उसे विजुअलाइज कर सकते हैं ना, कि हम कहीं हसीन वादियों में घूमने गए हैं या वहाँ कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, फिर हमारी वैसे बातचीत में हम वो बातें डाल सकते हैं खुशी वाली, हर रिलेशन के साथ अलग अलग। और खासकर जो मूवी हमने देखी है और जो सीन ऑलरेडी हमारे, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज ऐसी है जिसके फैमिली पार्ट मतलब सीन्स हमारे मन में रहते हैं, तो उस सीन में उन कैरेक्टर के वजह से हमारे रिलेशन को डाल दे और हम अगर वैसे विजुअलाइज करें उसमें स्क्रिप्ट में अपना। सी स्क्रिप्ट में व्हाट इज माय आईडिया, व्हाट इज कमिंग टू माय माइंड, यस और कोई बोलना चाहेगा? लीना ने भी अपना अनुभव शेयर, बट शी हैज एक्सप्लेन एक्सप्रेस हरसेल्फ। यस एनीबॉडी एल्स प्लीज बताओ मुझे कोई। सर मैं दोबारा ऐसा, हाँ यस बोलो, यस प्लीज सर दोबारा प्लीज बोलेंगे, मतलब क्या हमको सीन करना है विजुलाइज? देखिए हमको क्या करना है, जो टेक्निक मैंने आज आपको बताई है कि एक स्क्रिप्ट बनानी है अपने, जो हम जाय लाइफ में चाहते हैं। बाबा ने हमको वॉर्न किया कि बच्चे संभलो, माया के वार से बचो, माया भी जितना ज्यादा तुम उछार तीव करो माया भी उतना रुस्तम होकर लड़ेगी तुम्हारे साथ में, राइट? तो स्क्रिप्ट इसकी बनानी है। स्क्रिप्ट बनानी है मतलब हमको उस स्क्रिप्ट में वो लिखना है जो हम अपने आप से चाहते हैं, व्हाट वी वांट फ्रॉम द सेल्फ। ओम शांति बोल सकते हैं तो मेरे, यस प्लीज अफर्मेशन से कर सकते हैं शुरू? इसमें अफर्मेशन को कोई मतलब ही नहीं है, वो अफर्मेशन अलग टेक्निक है, वो नहीं समान समान से लेते हैं। हाँ समान ले सकते हैं कोई, यस वेरी ट्रू, ये बात मैं आगे बोलने वाला था, समान भी ले सकते हैं, यस वेरी ट्रू। बाबा मैंने सबसे पहले सूरज भाई की एक बात और मुझे याद आई, पहले बता देता हूँ ध्यान से सुनना सभी। मेरे को ना सूरज भाई का एक बार फोन आया घर पे, सूरज भाई मुझसे अक्सर मोंडो मिलते हैं, मैं उनके कमरे में जाता हूँ, उनको जो भी प्रॉब्लम है कभी कमर का कभी कहाँ का, उनको मालूम है योगा सिखाता एक्सपर्ट है ये, तो मैं बोलता हूँ सूरज जी मैं आया हुआ हूँ 2 दिन तक हूँ यहाँ पर, आप जब भी बोलो मैं आपके पास आऊंगा। तो कई बार राजऋषि भवन का जो हॉल है ना ज्ञान सरोवर में, वहां पे ये उनके कमरे में मैं कई बार गया हूँ, तो उनका घर पे फोन आया। आई वाज थ्रिल्ड, किंतु बस मेरा नंबर कैसे पहुंचा, नंबर तो बाद में उन्होंने मुझे दिया था। तो उन्होंने कहा कि बलराम आपके वीडियो सारी दुनिया देख रही है, मेरा मित्र नारायण भाई करके ये लोग 4 लोग है ना ज्ञान में आने के बाद एक सेंटर चलाते दिल्ली में, मतलब सूरज भाई समर्पित हो गए 1968 में मधुबन में, और इन्होंने शादी कर ली, उनके बाल बच्चे हैं बोस्टन में, ये सेटल हुए हैं नारायण भाई। तो मुझसे कहा कि आप है ना बलराम भाई, नारायण भाई का तबीयत ठीक नहीं है और बेड रिडन है ये, इनको बहुत सारी शिकायतें हैं भाई, प्लीज आप जाओ। मैं कहता हूँ आप जाओ वहां पर। तो फिर मैंने फोन किया नारायण भाई को और मैं चला गया बोस्टन। वहां जाने के बाद नारायण भाई के लिए मेरा जो काम चला ना, That was Z-E-R-O, Z-E-R-O, zero. मैं वहां रहा 10 दिन, जब मैं कल बताया ना मैंने, मैं न्यूजर्सी भी गया था संध्या बहन के पास, जिनको मतलब कोलन कैंसर हुआ था, बाद में उनको कीमोथेरेपी थी 6 महीने के 12 कीमोथेरेपी 15 दिन में एक, तो उनके पास मैं 2 दिन गया, बाजू में ही है मतलब 1 घंटे का रास्ता है साइज का। तो उनको 0% क्यों फर्क पड़ा, कमन एवरीबडी टेल मी, मैं तो सब कुछ लेके गया था टेक्निक उनके पास में, 0% को फर्क पड़ा है, क्यों ऐसा? विश्वास नहीं था, मैं भी उनको विश्वास नहीं था इस टेक्निक पे। विश्वास तो बहुत बड़ी चीज है, उसके पहले और भी चीज है, क्या है आपके ऊपर विश्वास नहीं था क्योंकि आपको कुलीग समझता, साधारण समझता। नहीं, विश्वास तो बहुत बड़ी चीज है,
मतलब बहुत बड़ी चीज है। पहली चीज है उनके पास विलिंगनेस ही नहीं थी, मैं जैसा चल रहा हूं ऐसा ही मैं चलूंगा, मुझे इससे आगे नहीं उतरना है। विलिंगनेस वॉज नॉट देयर। मैं 10-11 दिन उनके लड़के के साथ में घूमता फिरता था, बहुत एंजॉय कराया, बहुत इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट दी। वहां सूरज भाई के साथ भी कई बार बातचीत हुई हमारी वहां से, लेकिन 0 रिजल्ट के साथ में वहां से आया, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहते थे। समझ में आई बात आपको? When there is will, there is way. आप सभी की विल है ना, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर बनूं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं जिंदगी के गोल्स को ट्रैक कर सकूं। देयर इज विल ना, देयर इज डिजायर, देयर इज इंस्पायर, देयर इज यू कैन से इंटेंशन है वहां उसका। तो विलिंगनेस, अभी बीच में एक बहन जी का मेरे को फोन आया था, बार बार मुझे अभी फोन कर रही है। मेरा पति है ना, अभी संडे को ही मेरी बात हुआ, मेरा पति एंग्जाइटी में है, पहले भी बात हुई थी, टाइम उनको मिलता नहीं है, दुकान पे जाते हैं। आए तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे हिसाब से टाइम को एडजस्ट करूंगा। संडे को उनके पति को से मुझे लाइन पे लेकर आई। मैंने कहा भाई साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलता मैं एंग्जाइटी में चलता हूँ, लेकिन क्या है गोलियां लेने से सब ठीक हो जाता है भाई। मैं बोला एंग्जाइटी जो आपको है तो उसका कुछ तो कारण होगा ना, एंग्जाइटी मेंटल डिसऑर्डर है, खतरनाक डिसऑर्डर है ये, आपके लाइफ में क्यों आया है, क्या तकलीफ है आपको? मुझे कुछ तकलीफ नहीं। किसके साथ तुम्हारा अनबन होती है? किसके साथ नहीं। कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में? कुछ नहीं है। मैं फिर क्यों आए हो मेरे पास में? मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो फिर उनकी मिसेस को मैंने बुलाया, मैंने कहा देखो वो जब खुलना ही नहीं चाहते हैं तो कैसे समस्या दूर होगी? तो उन्होंने मुझे कहा है कि ना आप है ना मुझे EFT कराओ, मैं उनके नाम पर करूंगी। बहुत ही क्यूट, बहुत ही सॉफ्टी वॉइस है उनकी, बहुत ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत कोमल बच्ची के साथ बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी संडे को मैंने उनको भी अभी मैं टाइम दूंगा, दो तो मेरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं संडे के दिन। एक 3 साल से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है बहन जी, और एक मैसूर से मेरे यूट्यूब में वीडियोज़ देखे हैं, वो कई दिन से टाइम मांग रहा है, बोलता बलराम सर मैं ज़िंदगी में पूरी तरह टूट चुका हूँ। तो मैंने संडे को उनको 11 बजे का टाइम दिया, इनको 12 बजे का टाइम दिया। दूसरा एक केस है मेरा जो आज ही आया है, देखो 3 साल से मेरे पास आई थी पहले। तो नाउ सी हाउ टू मेक द अफर्मेशन, मैं बना रहा हूँ, आप सब मुझे बता, लीना आप भी ध्यान से सुनना। और देखो मैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बाबा आपने हमें चुना है, मैं कोटों में कोई वो आत्मा हूं जिसको परमात्मा प्यार पालना और प्राप्तियां मिली हुई हैं। आप चाहते हैं कि मैं तुमको संपूर्ण बनाकर ले चलूं अपने साथ में, लेकिन माया का ये रूप मैं भी पहचान नहीं पा रही हूं। बोलो अभी आगे क्या लिखोगे? स्क्रिप्ट मतलब 4 या 5 लाइन की, जहां से आपको दिल की बात बोलना है उनको और आप क्या बनना चाहते हैं। अब मैं तीव्र पुरुषार्थी बनकर, तीव्र पुरुषार्थी बनकर अपने आप को साधना में उन्नत करके माया के साथ उसकी माया बहुरूपियों को, उसके इरादों को समझकर भांप कर मैं उसके अनुसार उसको पार कर सकूं या परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं। दिस वे यू कैन राइट डाउन। इसमें एफर्मेशन नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, है ग्रेटिट्यूड इसमें नहीं है भाई। हाँ मैं करता हूँ, मैं इसको दूसरे रूप में। लीना आप कैसे लिखना चाहोगे इसको, बोलो लीना कैसे लिखोगे आप? देखो लीना पर म्यूट, अनम्यूट। हाँ बोलो कैसे लिखोगे इसको, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। हाँ बोलो। इसमें मैं बाबा का ही आह्वान करूंगी कि बाबा मुझे कोई भी माया का रूप अगर मेरे सामने आए और मुझे समझ में ना आए तो मतलब मेरा पुरुषार्थ इतना तीव्र हो कि आपका छोटा से छोटा इशारा भी मैं समझ पाऊं। देखो दो बातें, एक बाबा ने क्या बताया, भाव और भावना दोनों को नीचे गिराएगी। भाव और भावना, मेरी भावना क्या है कि यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं उनको बहुत अच्छा फायदा मिल सके, मेरा भी इसमें मतलब योगदान रहता है। आप भी सब टाइम निकाल के आते हैं तो इस ग्रुप में, जैसे अभी कल जो मेरे पास
कल जो मेरे पास आया है ना, हाँ वही वही बहन जी को, उनको मैंने संडे को टाइम दिया है, उसने मुझे कहा कि मेरे को एक मेरी फ्रेंड इस ग्रुप में उसने इतना ज्यादा कन्विंस किया है ना कि तुम इस ग्रुप में जाओ, इस टेक्निक को आप अप्लाई करो, आपको इतने मिरेकुलस इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना कि पूछो मत। तो मैं भी यही इंटेंशन से आता हूँ कि हमारे पास जो दिया गया है, मैं तो आपको यहाँ सिखा के मैं सीख ही रहा हूँ, आई एम ऑलवेज लर्निंग। मैंने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन 12 साल पहले सर्टिफिकेट नाम का हाथ में, ये इतने सारे सर्टिफिकेट है मेरे पास, इतने सारे। परसों किसी को साइन चाहिए थी तो मेरा इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट चाहिए था, वो ढूंढने मिसेस को बोला फाइल निकालो, तो माय गॉड, मुझे खुद को पता नहीं है कितने मैंने अल्टरनेट थेरेपीज की डिग्रियां ली हुई है, सर्टिफिकेट ली, मुझे पता नहीं है, इतनी सारी डिग्री वहां से निकली है पूरी वो फाइल में। तो देखो दो बातें, पहला आपको क्या लिखना चाहिए कि मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसको भगवान का प्यार पालना और प्राप्तियां मिली है, मैं चाहता हूं मेरा भाव और भावना सभी आत्माओं के लिए सदा ही पॉजिटिव रहे। मैं चाहता हूं कि मैं यथार्थ को मुझ में समझने की शक्ति हो कि कौन गलत है कौन राइट है। माया क्या कर रही है, यथार्थ को महसूस करने के लिए क्या होती है, उसने बताया है कि यथार्थ महसूसता समाप्त कर रही है, बताओ इतना तक बोला है, मतलब मेरा और समझो सुरजीत भाई का किसी बात पर प्रॉब्लम हो गया, हम आपस में नहीं बन पा रहे हैं, बराबर। तो बाबा ने एक बोली में क्या बताया था कि अगर समझो सामने वाला व्यक्ति आपको बुरा देख रहा है या बुरा पा रहा है आप में, मतलब ये उसके भाव और भावना का रिफ्लेक्शन है जो सामने वाले के अंदर उसको वो दिख रहा है, नॉट मेरा, उसका। दूसरी बात, यथार्थता को महसूस करने की शक्ति को समाप्त कर रही है माया। तो हम कैसा लिख सकते हैं, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, इतना बेनता प्यार, कितना प्यार देते हैं आप हमें। कल की मुरली में चला था ना कि सबसे ज्यादा बात कौन करता है हमारे साथ में, चार पेज की इतनी लंबी मुरली रोज डेली वो सुनाता है हमको एवरी डे। तो क्या लिखना चाहिए इसमें, स्क्रिप्ट में, मैं चाहता हूं कि मेरा भाव, मेरी भावना और मेरा भाव सदा ही श्रेष्ठ रहे और मैं यथार्थ को परख सकूं, मतलब द पावर ऑफ रिकॉग्निशन, क्या सच है क्या गलत है। ऐसे आप कुछ भी अपने मन से बना के लिख सकते हैं, आज मैं भी लिखूंगा अपना, क्या लिखूंगा रात को तो मैं आपको चाहिए तो कल बताऊंगा मैं, लेकिन सभी लिखना चालू करो अपने मन की बात, दिल की बात, जैसे हम अपने पिता से करते हैं, टीचर से करते हैं ना, तुम्हारा सदगुरु भी है। कौन सी बातें दो ऐड करना है इसमें बताओ, कौन सी दो बातें ऐड करनी है इसमें, ओम शांति, अपनी भाव और भावना को ऐड करनी है। भावना और भाव में क्या फर्क है बताओ, पहले भावना आती है भाव आता है, यहाँ बाबा ने पहले भाव बोला है, क्यों भाव बोला है, व्हाई नॉट भावना पहले, हालांकि पहले भावना आती है फिर भाव दिखता है, यहाँ पर बाबा ने भाव बोला है और फिर भावना बोला है, भाव और भावना, यहाँ भाव क्यों बोला है पहले, विजिबल वही है ना, विजिबल वही है, यस दैट इज द आउटर थिंग, दैट इज द आउटर थिंग, भावना अंदर की होती है, वी कैन नॉट नो इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या भरा हुआ है, राइट। तो एफर्मेशन जैसे सुमान के बारे में मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, फिर हम सुमान की तरफ चलेंगे, टाइम भी होने को आया है। देखो सी है ना, लिख सकते हैं कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करके आने वाले राज्य भाग्य में एक ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता हूं,
आप तो हमेशा ही मेरे मददगार और सच्चे शिक्षक हैं। माया का जो विकराल रूप जिसका जिक्र आप आजकल कर रहे हैं मुरलियों में, जो मेरे भाव और भावनाओं को बिगाड़ रही है, और यथार्थ की महसूसता, मतलब व्हाट इज राइट, इसकी महसूसता से हमें गिरा रही है नीचे। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तपस्या को आगे बढ़ाकर ज्ञान योग धारणा सेवा में और ज्यादा चारों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क ले सकूं। मेरा एक एफर्मेशन है, मैं लिखता हूं उसमें, आई एम एडवांसिंग मिरेक्युलसली इन ज्ञान योग धारणा सेवा। ये मेरा 369 का एफर्मेशन है, ये 369 का, राइट। अभी नाउ कमिंग टू सुमन, ये सुमन के बारे में बताओ कोई, व्हाट यू मीन बाय सुमन। सूरज भाई की सबसे पहली कैसेट मैंने खरीदी थी, ऑडियो कैसेट संकल्प शक्ति के ऊपर, मुझे अभी तक वो अक्सर याद है सूरज भाई के, के हमेशा ही हमें है ना, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको सदा ही याद में रहना है, बिना सुमान के कोई याद में रह ही नहीं सकता है। क्यों नहीं रह सकता बताओ मुझे, व्हाई, क्यों नहीं रह सकता है बिना सुमान के कोई बाबा की याद में सदा रह नहीं सकता, क्यों बोले ऐसा बताओ। बाबा फिसल जाते हैं, बाबा फिसल जाते हैं हाथ से, क्योंकि याद में रहने के लिए समान बनना जरूरी है। बराबर, देखो जहां समान है वहां देवभान मिट जाता है, जैसे रोशनी के आगे अंधेरे का अस्तित्व खुद ही मिट जाता है। अगर हम समान में रहेंगे तो देवभान आएगा ही नहीं ना, समान में तो समान मिलेगा, समान देंगे समानधारी बनेंगे और फरमान पर चलेंगे, दूसरा जो है सर्व प्राप्ति स्वरूप बनेंगे, हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे। तो सुमान के लिए अगर हमको एफर्मेशन लिखना है, एफर्मेशन सॉरी स्क्रिप्ट लिखना है, तो हम कैसे स्क्रिप्ट बना सकते हैं, बाबा आपने हमें इतने सारे सुमानों से संवारा है, आपकी हर जो गुण है या शक्तियां वो हमारा सुमान है, राइट। लेकिन सुमान भी याद की तरह पारे के मिसल है। आप जितने यहां बैठे कोई मुझे बता दो, एक सुमान आपने लिया या सामने जैसी परिस्थिति आई वैसा सुमान में रहना होता है, जैसी स्थिति वैसा सुमान धारण करना होता है। आप लोग कितने परसेंटेज आपको लगता है कि सुमान में हम सदा रह सकते हैं, एनीबडी कम ऑन टेल मी, रह सकते हैं सुमान में, यस प्लीज एनीबडी। नहीं रह पाते इतना पूरा, नहीं रह पाते ना, बार बार इवन आई एम ट्राइंग दिस, ट्राइड सो मेनी टाइम्स, मैं देखता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश, मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है सुमान का, मैंने सारी की सारी अव्यक्त मुरलियां सुमान के ऊपर पढ़ी है, सारी की सारी मुरलियां नहीं, जो जो सुमान के बारे में सभी अव्यक्त मुरलियों में आया मैंने पूरा पढ़ा है वो, क्योंकि अगर आप जाओगे ना गूगल सर्च में, वहां पे गूगल सर्च में आप टाइप करो अपना अव्यक्त मुरली, सर्च में जाओ और वहां पे एक टाइटल आता है, वहां पे लिखो सुमान, जैसे सुमान टाइप करोगे ना तो मैं आपको, नहीं तो यहाँ पे टाइप करके भेजता हूँ कैसे निकलते हैं, वहां से पूरी सुमान के बारे में जो जो मुरलियों में बाबा ने कहा वो सब आ जाता सामने। अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ, सपोज आपको स्क्रिप्ट लिखना है सुमान में रहने के लिए, बीइंग स्टेबल इन सेल्फ एस्टीम, कैसे लिखेंगे बताइए मुझे, हाउ यू कैन राइट डाउन। अंगत समान अचल अडोल हूँ, मैं अंगत समान अचल अडोल हूँ, मैं महावीर हूँ। ये फिर आप एफर्मेशन में जा रहे हैं, सी स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रिप्ट क्या लिखना चाहिए, बिना सुमान के योग में ठहरना, याद में रहना असंभव है, लेकिन सुमान, आपकी आवाज नहीं आ रही,
सुमान में हम या मैं सहज टिक नहीं पाता हूं, राइट? लेकिन सुमान से ही हम अपनी ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपने बार बार कहा है कि सुमान मतलब लाइट, जो जिंदगी के सारे विकारों को, अंधकार रूपी विकारों को तुरंत ही मिटा देता है। मैं चाहता हूं कि मैं सुमानधारी सुमान में रहकर ही सम्मान दूं और सम्मान प्राप्त करूं, राइट? ऐसे कुछ ऐसे बनाओ ना कि रोज उसको पढ़ोगे आप रात को सोने के पहले। कोई आप बताओ सुमान के बारे में क्या लिख सकते हैं? यस प्लीज एनीबॉडी। सुमान में रहना ही रूहानी फखर है। रूहानी फखर में मैं सदा ही बेफिक्र बादशाह का अनुभव कर सकता हूं। मेरे बाबा, आप कहते हैं हर कदम हिम्मत का आपकी तरफ से 100 कदम मैं बंधा हुआ आपके साथ चलने के लिए। ऐसे कुछ बनाओ ना, भले लाइन 4, 5, 6 लाइन हो, बोला सोने के पहले बनाओ, कल हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, और फिर आपको रोज रात को सोने के पहले उसको एक बार पढ़ना है। आप चाहें तो ध्यान से सुनो, स्क्रिप्ट आप दिन में कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, दिन में 3 बार 4 बार, मूड है तो 4 बार पढ़ो, मूड नहीं है तो 1 बार मत पढ़ो। वैसे हफ्ते में 1 बार भी स्क्रिप्ट निकाल के पढ़ सकते हैं, राइट? लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि 21 दिन रात को सोने के पहले आपने जो भी लिखा है, राइट, उसको अगर रात को पढ़ के सोओगे ना, फीलिंग जब उसमें ऐसा लिखो कि इट शुड गेट यू द फीलिंग, इट शुड गेट यू द फीलिंग ऑफ दैट, आपको उस अटेनमेंट की फीलिंग में आप आ जाए। बनाओ सभी जो जो आपकी कमजोर एरिया है, फिर कल जो है हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक ही बार बनाना है, एक ही बार लिखना है, और फिर रात को उसको क्या करना है, सोने के पहले पढ़ना है। ओनली वंस, ये टेक्निक है, ये 21 डेज तक। लेकिन स्क्रिप्ट आप कितने बार ही पढ़ सकते हैं, दिन में 3 बार 4 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जो किरदार होता है ना, किरदार जब कैमरे के सामने जाता है तो काफी स्टडी करता है ना, उसकी प्रैक्टिस करता है, और हम भी हीरो पार्टधारी हैं, तो जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं सेवा के कर्म क्षेत्र के, तो हमको भी तो वो पार्ट प्ले करना है ना, कि माया का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, भाव भावना का, या फिर वो जो महसूस नहीं करने देती हमको कि गलत सच है करके, या यथार्थ जो है। समझ आया आप सभी को? इज दैट क्लियर टू यू? भाई जी, ये जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे वो 21 दिन तक वही स्क्रिप्ट को रोज पढ़ना है या हम बदल सकते हैं? क्या है, जो स्क्रिप्ट आपने बनाई है अगर बार बार आप उसको पढ़ोगे, रिपीटेशन इज द गोल्डन रूल फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? आपने एक स्क्रिप्ट बनाई, आप चाहें तो उसमें जो है थोड़ा सा ऐसा कुछ एडिशन कर सकते हैं जो उसके फीलिंग को बढ़ाए, बट जो टॉपिक, जैसे मैंने बताया कि माया के प्रकोप से बचना है या फिर मुझे सुमान में रहना है, that should not be changed. You can add something here and there. You can put different words which can really bring the feelings in you. आया समझ में? ओम शांति भाई जी। जी भाई जी। इसको हम ये भी कह सकते हैं ना कि ब्राह्मण जीवन की लाइफ, मैं ब्राह्मण जीवन में अपनी लाइफ कैसी चाहती हूँ, ऐसे अपन स्क्रिप्ट का नाम कर सकते हैं कि मैं ब्राह्मण जीवन में कैसी स्ट्रॉन्ग शक्ति, जैसे बाबा बोलता है ना, समाज नाम स्क्रिप्ट का इसमें का नाम नहीं होता है, ये वो सीन है जो को कैमरे के सामने बोलनी है, ये वो सीन है जो आपको अपने कर्म क्षेत्र में उसको आपको मतलब प्रैक्टिकल में लाना है, तो इसका टाइटल देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट लिखना मतलब मैं आपको बता, जैसे मैं उनको संध्या बहन को लिख के दिया था ना, मैंने क्या लिख के दिया था, मैं अब हूं तो स्वस्थ हूं, मेरी जिंदगी जो ख्वाहिश थी कि मैं अगर जिंदी रही कैंसर से, मैं एक दिन जरूर स्विट्जरलैंड जाऊंगी, अब मैं
बिल्कुल सच हूँ। मैं अपने पति के साथ स्विट्जरलैंड की हसीन फिजाओं में, खूबसूरत वादियों में, वहां की बर्फीली हवाओं में, मैं इस वक्त पति के साथ बहुत ही लुत्फ लेकर वहां भ्रमण कर रही हूँ। थैंक यू, बस इस तरह। गॉट माय पॉइंट? फीलिंग आना चाहिए, यू शुड गेट द फीलिंग ऑफ दैट। ब्राह्मण जीवन जो है ना, अंकिता बराबर बोल रही हैं, पर ब्राह्मण जीवन में तो इतनी सारी धारणा, इतना सारा पुरुषार्थ है ना, पर यहाँ पर पर्टिकुलरली एक को पकड़ो, ओनली वन, जैसे भाव और भावना और यथार्थ महसूस था, क्योंकि इसका जो प्रोकोप है ये आगे इतना भयंकर रोल प्ले होने वाला है इसका, कि दुनिया में लोग है ना अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने ही जो नियर एंड डियर वंस है उनके लिए खून के आंसू रोएंगे। नथिंग, नो बडी विल गोइंग टू सेव देम, पर हम अगर सेफ रहेंगे तो वी कैन कीप अदर्स आल्सो इन द सेफर जोन। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस प्लीज। स्क्रिप्ट आज लिखनी है, फिर रात को पढ़नी है, कल दोबारा। नहीं, जहां भी देखो क्या है, स्क्रिप्ट लिखने के लिए है ना बहुत ही तरन्नुम का मोड चाहिए, यू शुड बी वेरी मच विलिंग टू राइट इट, तब लिखो, जब आप उसकी फीलिंग में आ जाओ कि मैं स्क्रिप्ट माइंड पावर का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ऐसा जबरदस्त टेक्निक है ना कि इसको सारे के सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेनर्स इसको अपनाते हैं, उनके स्टूडेंट्स भी स्क्रिप्ट राइटिंग को, और वो कितने दिन बोलना है जो मैंने रात को अपन इसको उसमें लेके जा रहे हैं, स्क्रिप्ट हम कहाँ लेके जा रहे हैं, 21 डेज में रात को सिर्फ सोने के पहले पढ़ना है। अगर आप वो करोगे तो अच्छा ही है, नहीं तो दिन में 3-4 बार कभी भी निकाल के पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ने का मन है, आज भूल गया है, 3-6 आप जो लिख रहे हैं ना, जो 3-6-12 3-6-9 अगर कभी भूल जाता है ना, नथिंग रॉन्ग इन दैट, आपने बार 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 यूनिवर्स को भेजा है, बी हैप्पी, बी डिलाइटेड, बी जॉयस, कि यू आर एवरी डे कन्विंसिंग यूनिवर्स व्हाट आई एग्जैक्टली वॉन्ट। भूल जाता है ना, बिल्कुल 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 लकीर का फकीर मत बनो, बिकॉज ऑल द थिंग्स वी आर डूइंग, ऑल द टेक्निक्स वी आर फॉलोइंग विद द ओनली इंटेंशन ऑफ राइजिंग इन अवर फ्रीक्वेंसी ऑफ अट्रैक्शन। सुनिए, आया सभी को? ये टेक्निक है 3-6 ने, ब्रह्मांड का यूनिवर्सल कोड है, वो खजाने का कोड है, वो फॉलो कर अच्छा है, लेकिन अगर समझो कभी भूल गया तो आगे के चलो, आगे चलो, ऐसे नहीं रात को लिखने बैठे हैं अभी 6 भूल गया तो 15 बार लिखने का, नो, फॉरगेट दैट, जो चला गया वो चला गया, फिर रात को जो है 9 बार तहे दिल से लिखो। आया समझ में? ओके, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। ओम शांति। अंकिता बहन, मीटिंग एंड कर दो।